चाहिए। चौथ के चांद को देखने से कलंक लगता है, झूठा दोष लगता है, चोरी का आरोप लगता है। दोस्तों इस कथा का वर्णन सुंदर कांड में भी आता है। सुंदर कांड की चौपाई है, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो परिनारी लीलार गोसाई, तजव चौथी के चंद की नाई। इसका मतलब है कि जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर, यश, शुद्ध बुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, अतः उस व्यक्ति को हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए। यानी कि जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार दूसरों की स्त्री को नहीं देखना चाहिए। यानी दोस्तों शास्त्रों में भी वर्णित है कि चौथ के चांद को नहीं देखना चाहिए। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सुनेंगे वो कथा जिसकी वजह से चंद्रमा को श्राप लगा। ये श्राप क्यों लगा, किस तरह, पूरी कथा को जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि इस जो दोष है इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। इसे दोस्तों वीडियो पूरा देखना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स, फैमिली में जान पहचान के लोगों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये दोष लगता है। आपने भी अपनी लाइफ में हो सकता है कभी फील किया हो, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि जो भी लोग चौथ के चंद्रमा का अगर गलती से दर्शन कर ले तो किस तरह से उससे मुक्त हो सके। तो कथा इस प्रकार है। कहते हैं भगवान गणेश गणपति बनने के बाद एक दिन स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। जब वह चंद्रमा के पास से गुजरे तो अत्यंत रूपवान चंद्रमा ने गणपति के शरीर और रूप का उपहास किया। तब गणेश जी ने कुपित होकर उन्हें श्राप दे डाला कि तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। जिस रूप रंग पर तुम्हें इतना अहंकार है वह नष्ट हो जाएगा। जो दर्शन करने वाले मनुष्य को व्यर्थ का अपमान, कलंक, निंदा और अनिष्ट का भागी बनना पड़ेगा, वह मेरे श्राप से प्रभावित होंगे। इस भयंकर श्राप को सुनकर चंद्रमा का मुंह अत्यंत ही म्लान हो गया, वह दुखी हो गए और वह मारे डर के जल में छुपकर कुमुद, यानी कि जो श्वेत कमल होते हैं उसे कुमुद कहते हैं, उस कुमुद में रहने लगे। यह जानकर सभी देवता भी दुखी हुए। तब ब्रह्मा जी तथा इंद्र और अग्निदेव ने मिलकर चंद्रमा को उपाय सुझाया कि चतुर्थी के दिन विशेष कर कृष्ण पक्ष में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए तथा उनका प्रिय व्रत यानी कि जो नव व्रत है वह व्रत रखकर शाम के समय पूजन करना चाहिए। फल, खीर, मिठाई, मिठाई में स्पेशली मोदक जो भगवान गणेश को प्रिय है ये सब जो अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। ब्राह्मणों को विधि अनुसार दान करना चाहिए। अतः चंद्रमा ने ये सारे के सारे तरीके से भगवान श्री गणेश की स्तुति की और अपने घमंड से किए हुए उपवास का पश्चाताप किया और अंत में गणेश जी प्रसन्न हुए और चंद्रमा से वरदान मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने कहा, प्रभु ऐसा वरदान दे कि अपने पाप और श्राप से निवृत्त हो जाऊं, मनुष्य फिर मेरे दर्शन का सुख भोग सके। गणेश जी ने पहले तो ये वरदान देने से मना कर दिया, परंतु सभी देवगणों की प्रार्थना सुनकर गणेश जी बोले, जाओ शशांक, मैं तुम्हें अपने श्राप से मुक्त करता हूँ, लेकिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसे मिथ्या विवाद और कष्टों से गुजरना पड़ेगा, उसे झूठा आरोप अवश्य लगेगा। किंतु जो मनुष्य मेरे से पहले यानी कि चतुर्थी से पहले तुम्हारा दर्शन कर लेंगे यानी कि शुक्ल पक्ष के द्वितीय के रोज जो दर्शन कर लेंगे उनको ये दोष नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों चौथ के चांद के पहले दूज का चांद देखा जाता है। और फिर चंद्रमा ने गणेश जी से उन्हें प्रसन्न करने के उपाय जाने। तब I'm